और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने वो मैप निकाला, वो भी इंडिया के साथ उनकी नेविगेशन है, वो टोटली वो जो काम कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। सेना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा। मैंने देखा है वो मैप। चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा। मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह है कि चाइना ने बेवकूफी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीजों से। लेकिन मैंने एक चीज नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा, वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा, गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में, उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की, भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते, इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था, अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपनी एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज ट्रेन पहुंच रही है चाइना के बॉर्डर तक, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी, यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत, तो उन्होंने कहा है निशान, तो क्या सर कंबल में लपेट के मारा, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ हकीकत भी है कि ये एक डेट ट्रैप है जिसमें वो भारी कर्जे देकर भारी इंटरेस्ट के ऊपर मुल्कों को ट्रैप करने का प्लान है चाइना का, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका के सामने नजर आती है। दूसरा उनको सेटबैक ये है कि इस वक्त लोग उनसे बेजार नजर आ रहे हैं BRI से, वो इस तरीके से कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम BRI का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो उसको काउंटर किया गया है। और जो नया शिपिंग और ट्रेन का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके 3 जो मेजर सपोर्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, वो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इसराइल है। इसमें दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं जिस तरह भारत है उसमें। अब उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि 3 ममालिक क्या हैं, जो बड़े की प्लेयर्स हैं वो कौन है। की प्लेयर्स में से जब सऊदी अरेबिया आगे आता है, दे आर ऑयल रिच कंट्री, और इस वक्त जो यूक्रेन की वार का सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया है रशिया एम्बार्गो की वजह से। अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई थी इसके रशियन ऑयल के बारे में, उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उनकी जो फ्यूचर में इकॉनमी है 8.7 जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि उस पे वो आगे ग्रो करेंगे अपने ऑयल रिच होने की वजह से। तो एक तो ऑयल रिच कंट्री है, कैश लोडेड कंट्री है, और तीसरी बात इजराइल टेक्नोलॉजी है, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में IT के अंदर जो भी स्टार्टअप शुरू होता है वो इसराइल से शुरू होता है। दूसरा अमेरिका का उसमें होना, अमेरिका के आशीर्वाद होना, भारत का उसमें होना, दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है और भारत की IT सेवी यूथ है, और उनकी पढ़ी लिखी यूथ भारत की एक स्ट्रेंथ है।
अगर ये सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी तो चाइना इसको काउंटर किस तरह करेगा, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त चाइना के लिए। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। अब इसको डिलीवर किस तरह करते हैं, इसको शुरू किस तरह करते हैं, जब तक ये शुरू नहीं करेंगे अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इट्स अ वेरी